नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। हिंदू धर्म में सावन मास भगवान शिव को समर्पित माना गया है और साथ ही सावन के सोमवार का व्रत भी बहुत ही फलदायी माना गया है। लेकिन जिस तरह सावन सोमवार व्रत का महत्व है, उसी प्रकार सावन के हर मंगलवार को रखा जाने वाला मंगला गौरी व्रत भी खास माना जाता है। मंगला गौरी व्रत में माता पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। मानता है कि मंगला गौरी व्रत रखने और भगवान शिव तथा माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करने वाले व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस साल सावन का महीना 14 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो रहा है। इसमें चार मंगलवार पड़ेंगे जिसमें मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। सावन मंगला गौरी व्रत 2022 तिथि। प्रथम मंगला गौरी व्रत 19 जुलाई को रखा जाएगा। दूसरा मंगला गौरी व्रत 26 जुलाई को रखा जाएगा। तीसरा मंगला गौरी व्रत 2 अगस्त को रखा जाएगा और चौथा मंगला गौरी व्रत 9 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, सर्वार्थ सिद्ध योग में पहला मंगला गौरी व्रत पड़ रहा है। सावन का पहला मंगला गौरी व्रत सर्वार्थ सिद्ध योग में है। इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। इस दिन व्रत और पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। 19 जुलाई को पहले मंगला गौरी व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 5:35 से लेकर दोपहर 12:12 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आपको माता पार्वती की पूजा कर लेनी चाहिए। इस दिन रवि योग भी सुबह 5:35 से दोपहर 12:12 तक है। हालांकि सुकर्मा योग दोपहर को 1:44 से प्रारंभ हो रहा है, जो पूरी रात तक रहेगा। ये तीनों योग शुभ एवं मांगलिक कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। मंगला गौरी व्रत का महत्व। माता पार्वती का दूसरा नाम गौरी भी है, यह उनके गौर वर्ण के कारण है। सावन का मंगला गौरी व्रत करने और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने पर अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। मंगला गौरी व्रत पूजा विधि। मंगला गौरी व्रत रखने वाले जातकों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थल की साफ सफाई करें और फिर वहां पर एक चौकी रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर माता पार्वती और प्रथम पूज्य भगवान गणेश की प्रतिमा अथवा तस्वीर स्थापित करें। तत्पश्चात माता पार्वती को कुमकुम, अक्षत, कोई लाल रंग का फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, 16 श्रृंगार की चीजें, नारियल, सुपारी, लौंग, इलायची और मिठाई अर्पित करें। पूजा के बाद आरती करें, फिर मंगला गौरी की व्रत कथा श्रवण करें या पढ़ें। इसके बाद भगवान को अर्पित किया हुआ भोग प्रसाद रूप में लोगों में बांट दें। व्रत करने वाले लोगों को पूरा दिन निराहार रहकर शाम को अपना व्रत खोलना चाहिए। मानता है कि मंगला गौरी व्रत करने वाली सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती और अविवाहित कन्याओं को अच्छे वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ मंगला गौरी अखंड सौभाग्य, सुखी और मंगलिक वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती हैं। मानता है कि संतान और सौभाग्य की प्राप्ति की कामना के लिए माँ मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत में एक बार भोजन कर माता पार्वती की आराधना की जाती है। यह व्रत सुहागनों के लिए विशेष होता है। सुहागनों के लिए यह व्रत बहुत ही शुभ माना गया है। इस व्रत में 16 मंगलवार के बाद 17वें मंगलवार को या 20 मंगलवार के बाद 21वें मंगलवार को उद्यापन किया जाता है। बिना उद्यापन के मंगला गौरी व्रत निष्फल होता है। मंगला गौरी पूजा व्रत उद्यापन विधि इस प्रकार है। 16 या 20 मंगलवार के व्रत करने के बाद मंगला गौरी व्रत का उद्यापन मंगलवार के दिन करें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। उद्यापन के दिन उपवास रखें और घट जोड़े से पूजा करें। एक चौकी के चारों पैरों में केले के खम्मा बांधें, फिर यथाविधि कलश की स्थापना करें तथा कलश के ऊपर यथाशक्ति मंगला गौरी की स्वर्ण मूर्ति की स्थापना करें। माँ को साड़ी, ब्लाउज, ओढ़नी, नथ और सुहाग के सामान चढ़ाकर हमेशा की तरह पूजा करें और कथा सुनें। इसके बाद गणेश आदि का स्मरण करके श्री मंगला गौरी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माँ गौरी की पूजा करें और 16 दीपकों से आरती करें। इसके बाद मन्नत के अनुसार किसी पंडित या पुरोहित को तथा 16 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं। आखिरी मंगलवार को पूरे परिवार के साथ सुहागिन स्त्री अपने पति के साथ हवन करें। पूर्ण आहुति में पूरा परिवार व सगे संबंधियों को शामिल करें और अंत में आरती करें। पीतल के भगोने में चावल और दक्षिणा डालकर ब्राह्मण को दें। अंत में अपनी सासू माँ के चरण स्पर्श करके उन्हें भी चांदी के एक बर्तन में 16 लड्डू, आभूषण, वस्त्र तथा सुहाग पिटारी दें। इस प्रकार नियम पूर्वक मंगला गौरी व्रत का पालन और उद्यापन करने से सुहागिन स्त्रियों को वैधव्य की प्राप्ति नहीं होती।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।